हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 1 मार्च को जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है। सभी आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 1 मार्च को इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड जो है, लास्ट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिसके अंदर जो है मैंने पिछले साल पूछे गए पेपर को कम्प्लीट जो है सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन समझेंगे पॉलीगन को बनाना। पॉलीगन का मतलब होता है दोस्तों बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हो। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, एक होता है ट्रायंगल, दोस्तों ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, एक होता है क्वाड्रिलेटरल, एक होता है पेंटागन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे पेंटागन पूछा जा सकता है, पेंटागन मतलब पंचभुज, या फिर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है दोस्तों षटभुज, या फिर जो है हेप्टागन। हेप्टागन का मतलब होता है दोस्तों सप्तभुज। ऑक्टागन का मतलब है अष्टभुज। तो इनमें से जो है आपसे पूछे एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांसेस हैं कि या तो पेंटागन पूछे वो आपसे, या फिर हेक्सागन, या फिर हेप्टागन, या फिर ऑक्टागन। इसके बाद में नैनोगन होता है दोस्तों, और एक होता है डेकागन। तो दोस्तों स्पेशली आप लोग याद रखोगे कि आपका, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का जो पेपर है वो इंग्लिश के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इन सभी का नाम जो है इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये काफी जो है एक रॉयल विधि है, एक तरीके से यूनिवर्सल मेथड है एक तरीके से, कि जिसके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से आज जो अपन मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड के माध्यम से अपन किसी प्रकार का पॉलीगन जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ ए हेक्सागन विद अ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसकी ईच साइड कितनी है, जिसकी ईच साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला अपन को एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे कि वास्तव में हेक्सागन कैसे जो है अपन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो साइड है ना, सबसे पहले वो साइड आपको ड्रॉ करनी है। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको एक भुजा लेनी है ए बी 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लेना है, ए बी 5 सेंटीमीटर। जैसे ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, ए पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए पॉइंट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब इसके ऊपर लंबवत। लंबवत आपको पता है, यदि अपन प्रकार से बनाएंगे तो एक चाप ऐसे कट करेंगे, फिर यहां से एक चाप ऐसे कट करेंगे, यहां से ऐसे कट करेंगे, यहां से एक चाप ऐसे कट करेंगे, और यहां से एक चाप ऐसे कट करेंगे। तो ये क्या मिलेगा दोस्तों, अपन को एक परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ए से ए बी त्रिज्या का एक वृत्त अपन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक वर्त ड्रॉ करेंगे, एक से आर्क, एक चाप काटेंगे यहां तक, जो इसको सी बिंदु पर कट करेगा। कहां कट करेगा दोस्तों, सी बिंदु पर कट करेगा। साथ ही साथ अपन इस सी और बी को जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे सीधा का सीधा मिला देंगे। बिल्कुल ध्यान से समझो, सबसे पहले ए बी क्या किया, जो 5 सेंटीमीटर गिवन है वो ड्रॉ किया। इसके बाद में ए से क्या किया, एक लंबवत रेखा खींची। इसके बाद में ए से AB त्रिज्या का एक आर्क कट किया, जो इस लंब को कहां पे काटेगा, सी पॉइंट पे काटेगा, ऐसे कैसे सी पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। इसके बाद में ये आर्क हुआ, और बी और सी को ऐसे सीधी रेखा के द्वारा मिला देंगे। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जो ए बी है इसका लंब अर्धक ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, ए बी का लंब अर्धक। तो दोस्तों आपको पता है इसका लंब अर्धक जो है, यहां से एक आर्क कट करेंगे, यहां से एक आर्क कट करेंगे, और इस साइड से यहां पे एक आर कट करेंगे, और इस साइड से एक यहां से आर कट करेंगे। तो ये जो है यहां पे एक इसका लंब अर्धक अपन को मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, एक लंब अर्धक। किसका लंब अर्धक, ए बी का लंब अर्धक अपन को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट मिलता है, ये 4 नंबर का पॉइंट होता है। ये स्पेशली याद रखना इस विधि के अंदर, ऐसे मत सोचो सर यहां पे 4 ही क्यों लिखा, वास्तव में ये जो पॉइंट है ये 4 ही बनेगा। अगर यहां से अपन पॉलीगन बनाए, बहुभुज बनाए, तो उसमें 4 भुजाओं वाला जो है बहुभुज बन जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये जो पॉइंट है ये फिक्स है कि इसको आप लोगों को कितने नंबर देना है, 6 नंबर देना है। यानी कि अगर यहां से अपन पॉलीगन बनाएंगे, अभी अपन देखेंगे कि यहां से पॉलीगन अपन कैसे बनाएंगे। यहां से यदि पॉलीगन बनाना हो तो अपन को जो है
छह भुजाओं वाला पॉलीगन मिलेगा, छह भुजाओं वाला षटभुज अपन को मिलेगा। दोस्तों इन दोनों का बिल्कुल मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु जो है वहां पे अपन को पांच ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है? पांच, पांच लिखना है यहाँ पे अपन को, पांच लिखना है। अब देखो इसके बाद में पांच से छह, ठीक इसके बराबर दूरी यहाँ पे अपन को सात ड्रॉ करना है, यहां से अपन को आठ ड्रॉ करना है, यहां से बिल्कुल इतनी दूरी पे अपन को नौ ड्रॉ करना है, और बिल्कुल इतनी ही दूरी पे अपन को यहाँ पे दस लिखना है। ठीक है, यानी कि यहां पे ये जो लंबवत अपन ने खींचा, ये यहां ये लंब अर्धक ए बी का लंब अर्धक, इस सीधी लाइन को बी सी को जहां से कट किया वहां पे चार नंबर लिखना है अपन को। ठीक है, ये जो आर्क है, आर्क आर्क ये चाप, इसको जो लंब अर्धक कट किया वहां पे अपन को छह लिखना है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में अपन को पांच लिखना है। ठीक है, फिर जस्ट इतना, पांच और छह के बीच में जितनी दूरी है, पांच और छह के बीच में जितनी दूरी है उतनी की उतनी दूरी अपन को छह से सात के मध्य रखनी है, सात से आठ, आठ से नौ, नौ से दस। अब यदि देखो दोस्तों, अब यदि आपको पंचभुज बनाना है तो यहां से आपको वर्थ खींचना है इस पॉइंट से, और यदि आपको षटभुज बनाना है या तो अपन को हेक्सागन बनाना है, मतलब षटभुज बनाना है, तो अपन को जो छह नंबर का पॉइंट है यहां से अपन को क्या करना है, छह नंबर के पॉइंट से बी और ए से, छह नंबर के पॉइंट से बी और ए से गुजरता हुआ अपन को एक वर्थ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है दोस्तों? वर्थ। तो यहां से देखो अपन यदि ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक वर्थ ऐसे गुजरता हुआ अपन को मिलेगा, ऐसे जो है छह नंबर से, इसको सेंटर मानते हुए अपन को क्या करना है कि वर्थ ड्रॉ करना है, एक वर्थ ड्रॉ करना है। आप यदि इसको प्रकार से बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से ये वर्थ बन जाएगा, अपन को एक वर्थ मिलेगा, अपन को जो है एक ऐसा वर्थ मिल जाएगा, एक वर्थ मिलेगा। अगर दोस्तों आपको पंचभुज बनाना है तो क्या करना है, यहां से वर्थ ड्रॉ करना है। अगर आपको शतभुज बनाना है, हेप्टागन बनाना है, तो यहां से वर्थ ड्रॉ करोगे। यदि आपको ऑक्टागन बनाना है तो यहां से वर्थ ड्रॉ करोगे। यदि आपको नैनोगन बनाना है तो यहां से वर्थ ड्रॉ करोगे। और यदि आपको डेकागन बनाना है तो यहां से वर्थ ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये वर्थ जो है वो सदैव ए और बी से गुजरेगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, ए और बी ये भुजा है, इस भुजा के बराबर ही बाकी की जो पांचों भुजाएं हैं, मतलब टोटल अपने पास छह भुजाएं होगी, एक भुजा तो यह है, और ठीक इसी बराबर माप की अपने पास में कितनी, छह भुजाएं होनी चाहिए टोटल। तो ठीक इसी बराबर माप की अपन को क्या करने है, आर्क कट करने है। यहां से जो है एक आर्क दोस्तों यहां कट करेगा, एक आर्क जो है अगर आप यहां से कट करोगे तो जो है वो यहां पे कट होगा, और यहां से अगर आप लोग एक आर्क और कट करोगे तो जो है अपन को यहां मिलेगा, एक आर्क जो है दोस्तों अपन को यहां लगभग मिलेगा। तो ऐसे जो है अपन को ये थोड़ा सा यहां मिलेगा अपन को आर्क, तो ये भुजाएं दोस्तों अपन को ऐसे मिल जाएगी, इस आर्क को आप यहां से मिला दोगे तो ये भुजा मिलेगी अपन को, ये सर्किल है, ये भुजा यहां से अगर इसको अपन मिलाएंगे तो अपन को ये सीधी भुजा मिल जाएगी, और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये सीधी भुजा मिलेगी, इसके बाद में इसको अपन दोस्तों सीधा मिलाएंगे तो ये भुजा मिलेगी, और इसको सीधा मिलाएंगे तो ये भुजा मिलेगी। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों अपन को जो है ये षटभुज मिल गया है यहाँ पे। कौन सा भुज मिला दोस्तों? षटभुज। षटभुज मतलब हेक्सागन, हेक्सागन मतलब षटभुज, षटभुज मतलब जिसमें छह भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? छह भुजाएं होती है। तो ये सेम तरीका जो है आप लोग किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही इजी सा तरीका है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले जो साइड दे रखी है उस उतनी ही लंबाई की एक भुजा ड्रॉ करेंगे, फिर ए से क्या करेंगे एक लंब खींचेंगे, ए से बी, ए बी इस त्रिज्या का एक आर कट करेंगे, ये इस लंब को सी पर काटेगा, सी को बी से मिलाएंगे, फिर ए बी का क्या है लंबवत खींचेंगे, लंबवत में ये जो लाइन को क्रॉस करेगा ये चार नंबर बिंदु मिलेगा, ये जो आर कट करेगा ये छह नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में अपन को पांच नंबर, फिर यहाँ पे सात, यहाँ आठ, यहाँ नौ, यहाँ दस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपन एक कंप्लीट हेक्सागन जो है अपन को मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, उन सभी से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो इस यूट्यूब चैनल को जो है जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।